अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हकलाने के ऊपर, स्टैमरिंग के ऊपर। वैसे तो टाइमली काफ़ी वीडियोस आती रहती हैं, तो कुछ एक्सरसाइज आज मैं फिर से एक थेरेपी लेके आया हूँ जो कि बहुत बेनिफिशियल हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर आपको स्टैमरिंग की दिक्कत है, आपने इसमें क्या होता है, इसको हम स्ट्रेचिंग थेरेपी कहते हैं कि हमें जो बोलना है अपने चीक्स को, अपने फेस को स्ट्रेच करके बोलना है। कोई भी वर्ड्स की जो प्रैक्टिस करते हो उसको स्ट्रेचिंग जरूर आनी चाहिए। और आपको क्या काम करना है, मतलब आपने उन्हीं वर्ड्स की, उन्हीं कॉन्सोनेंट की, उन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आती है। ठीक है, आप स्ट्रेच करके बोलोगे। कैसे बोलोगे, फेस को स्ट्रेच करना है और वो कॉन्सोनेंट बोलना है। जैसे आपको ट में दिक्कत आती है, जैसे क्या क्या प ला खाना पीना सोना, यानी स्ट्रेच करेंगे। स्माइलिंग भी जिसको बोल सकते हैं, स्माइल करके बोलना हाँ मैंने, ऐसे स्ट्रेचिंग करके आप बोलोगे। इसमें आप कॉन्सोनेंट की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और साथ में बारह कड़ी की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे क में, जैसे क की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क क्या की क को, इसमें आपके कॉन्सोनेंट निकल जाएंगे। लेकिन ची का ध्यान रहे, जल्दी ना करें, आराम से बोलें, कम साउंड का इस्तेमाल करें और धीरे बोलें, तो आपके कॉन्सोनेंट वो निकलेंगे। आप सिंपल कॉन्सोनेंट करें, फिर क की बाराकड़ी की प्रैक्टिस करें, फिर आप शब्दों के प्रैक्टिस करें, जैसे कबूतर कहना। फिर सेंटेंस मेकिंग करें, हेलो सर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। इसमें पोज टेक्निक भी आ जाती है और स्ट्रेचिंग टेक्निक भी आ सकती है। तो ये दोनों थेरेपी का आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट आपको देखने के मिलेगा। आपको सभी में काम करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उन्हीं वर्ड्स पे काम करना है, उन्हीं सेंटेंसेस पे, उन्हीं वर्ड्स पे काम करना है जिस पे आपको ब्लॉकेज आती है। धीरे धीरे आपको ब्लॉकेज से जो है वो वर्ड्स उठने शुरू हो जाएंगे और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और ध्यान रहे, आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बोलना है। जैसे मैं, मेरी आवाज़ निकल रही है, मेरा बोलने का तरीका देखिए, मैं बड़े स्लोली बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ। इस तरह से आपने बोलने की भी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा टिप्स। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ जाती है, तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसके जरिए आपको डेफिनेटली ठीक कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक से। जब तक खुदा हाफिज़, बाय।